टायर चेट स्लिक साइड। अब बीच में कभी कभी रोल आ जाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का, ठीक है ना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जब बेल्ट नॉर्मल स्पीड से घूमता है तो क्या होता है, टी वन बाय टी टी टू बाय टी वन था ना, टी टू बाय टी वन बराबर ई का पावर माइनस ई का पावर म्यू थीटा। थीटा किस में था, रेडियन में होता है। अब यहां पर क्या है कि जब सेंट्रीफ्यूज जब बेल्ट का स्पीड थोड़ा ज्यादा हो जाता है, ठीक है ना, जब बेल्ट का स्पीड थोड़ा ज्यादा हो जाता है तो उस केस में क्या होता है, एक मिनट दिखाना चाह रहे हैं। देखो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का क्या इफेक्ट होता है बेल्ट पे, जब बेल्ट का स्पीड थोड़ा ज्यादा हो गया, ठीक है ना, जब ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण बेल्ट को बाहर फेंकने को, बेल्ट है इधर बाहर भागने की कोशिश करेगा, पुलिंग आउट मतलब बेल्ट इधर जाने की कोशिश करेगा। जब बेल्ट इधर जाने की कोशिश करेगा तो क्या होगा, उस केस में जो टेंशन है, टेंशन और इंक्रीज हो जाएगा, टेंशन क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। अच्छा टी टू बाय टी वन था या टी वन बाय टी टू है, यार इसमें तो उल्टा दिख दिया है लग रहा है यहाँ पे, कल जो भी फॉर्मूला था टी टू बाय टी वन था या टी वन बाय टी टू था, टी टू बाय टी वन ही था। टी वन बाय टी टू था ना, अच्छा ठीक है, टी वन बाय टी टू, क्योंकि वहां पे जो लिखे फॉर्मूला पे गलत लिख दिए थे वो। टी वन बाय टी टू क्या, ई का पावर म्यू थीटा, ठीक है ना। आज जब ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है ना, इसके कारण क्या होता है, टी वन बाय टी टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण क्या होता है, ये बेल्ट आउटवर्ड जाने की कोशिश करेगा, तो जिसके कारण टेंशन और बढ़ जाएगा। तो उस केस में क्या होता है, एक टेंशन वाला कंपोनेंट आ जाता है। वो जो कंपोनेंट होता है, जैसे मान लो अगर टोटल टेंशन बोलेंगे टाइट साइड में, तो क्या आएगा, जो टी वन टेंशन तो लग ही रहा था टाइट साइड में, प्लस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण एक टेंशन आ जाएगा, टी सी आ जाएगा। उसी तरीके से स्लैक साइड में भी टोटल टेंशन क्या होगा, टी टू तो लगेगा ही, लेकिन साथ में एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण टेंशन आ जाएगा, टी सी। लेकिन जो ओवरऑल इफेक्ट होता है, जब पावर हम लोग निकालते हैं, तब पावर में क्या होता है, सिंपल टी वन माइनस टी टू हो जाता है ना। वो क्यों हो जाता है, टी वन माइनस टी टू इंटू भी, क्योंकि हम लोग जब पावर निकालेंगे तो क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के केस में, सेंट्रीफ्यूगल जब एक्शन हो रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को कंसिडर करेंगे तो टी टी वन माइनस टी टी टू इंटू वी। और जब टी टी वन का वैल्यू रखेंगे टी वन प्लस टी सी, और टी टू प्लस टी सी करेंगे माइनस में आ जाएगा दोनों, तो क्या होगा, टी सी कट जाएगा, तो यहाँ से भी जो वैल्यू आएगा एक्चुअल में, वो वैल्यू आ जाता है टी वन माइनस टी टू इंटू वी। मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण क्या होता है, कोई इफेक्ट नहीं होता है पावर पे, पावर सेम आएगा, या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को कंसीडर करे या ना करे, पावर क्या रहेगा, हमेशा पावर सेम आएगा, ठीक है ना। लेकिन जो हम लोग ये जो फॉर्मूला लिखते थे टी वन बाय टी टू का पावर ई का पावर म्यू थीटा, इसमें चेंजेज आ जाएगा, क्यों, क्योंकि अब टाइट साइड में क्या लग रहा था, जो टाइट साइड में क्या फोर्स लग रहा है, टी वन प्लस टी सी आ गया है, और स्लैक साइड में जो फोर्स लग रहा था टी टू प्लस टी सी लग रहा था। तो इस फॉर्मूला में टी वन और टी टू का वैल्यू लिखना है, क्या हो जाएगा, टी वन टी टू का वैल्यू टी टी वन माइनस टी सी डिवाइड बाय टी टू टी टू माइनस टी सी का पावर ई का पावर म्यू थीटा। अब दोनों साइड लोग ले लिया है इसलिए 2.3 कर दिया है, ठीक है ना, नहीं तो ये चेंज हो जाएगा। जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को कंसीडर करेंगे तो जो टी वन बाय टी टू वाला जो कंडीशन है, ठीक है ना, ई का पावर म्यू थीटा, इसमें चेंजेज आ जाएगा, ठीक है ना। क्या चेंजेज आ रहा है कि टी टी मतलब टी वन का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहां से निकालेंगे तो टी टी वन माइनस टी सी, जो भी टोटल टेंशन साइड में, जो भी टोटल जो टेंशन लग रहा है, माइनस सेंट्रीफ्यूगल टेंशन कर देंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण जो टेंशन क्रिएट हो रहा है वो दोनों को माइनस करेंगे तो मेरा टी वन आ जाएगा, और टी टू
टी टू माइनस टी सी करेंगे तो मेरा टी टू निकल जाएगा, तो ये चेंज होगा, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला को ध्यान रखना, अगर कभी सिर्फ इसी को ध्यान रखना हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये लॉग ले लिया है, ठीक है ना। जब लॉग लेगा ना तो लॉग ई का वैल्यू जो है, ये लॉग ले लिया है, ठीक है ना। इधर क्या हो जाएगा, लॉग टी टी वन माइनस टी सी बाय इतना हो जाएगा लॉग बराबर म्यू थीटा इंटू लॉग ई। तो लॉग ई का वैल्यू अगर इधर कर देंगे तो वही आएगा 2.3 करके आएगा, ठीक है ना। तो ये वैल्यू सिंपल ध्यान में रखना कि फॉर्मूला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण क्या चेंजेज आ रहा है। पावर में कोई चेंजेज नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे चेंजेज आ रहा है। नेक्स्ट क्या होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में, ये देखो, ये फॉर्मूला ठीक है, P बराबर टी वन माइनस टी टू इंटू भी, टी वन बाय टी टू बराबर ई का पावर म्यू थीटा लिखते हैं। टी टू यहां से क्या हो जाएगा, टी वन ई का पावर म्यू थीटा, ठीक है ना। टी टू बराबर क्या हो जाएगा, टी वन ई का पावर म्यू थीटा, टी वन डिवाइड बाय, ठीक है ना। तो P क्या हो जाएगा, टी वन को टी वन रहने दिए, टी टू को यहां से लिख दिए टी वन बाई ई का पावर माइनस म्यू थीटा, जो भी लिख रहे हैं। देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, लास्ट में जो आएगा टी बराबर टी वन माइनस टी टू इंटू भी, टी टू को क्या लिख रहे हैं, टी वन बाई ई का पावर म्यू थीटा इंटू भी लिख रहे हैं, ठीक है। अब यहां से क्या कर रहे हैं, टी वन बाहर कॉमन ले लिए, तो वन माइनस वन ई का पावर म्यू थीटा इंटू भी हो गया। तो टी वन आ इसको एक कांस्टेंट मान ले रहे हैं, इसको एक कांस्टेंट कंसिडर कर ले रहे हैं, वो सी हो जा रहा है, ठीक है ना। आई इंटू भी हो गया, मतलब पावर क्या हो जाएगा, टी वन इंटू सी इंटू भी। सी क्या है, कॉन्स्टेंट है, और हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, कि टी वन जो होता है वो टी टी वन माइनस टी सी हो जाएगा, और टी टू जो होगा वो टी टी टू माइनस टी सी होगा, ठीक है। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, टी वन माइनस टी टू इंटू भी। हम सीधा रिजल्ट पे आएंगे, वो बताएंगे क्या रखना है, हम सिर्फ बता रहे हैं कि स्टेप कैसे किया हुआ है, ठीक है ना। टी वन माइनस टी टू इंटू भी, लेकिन यहाँ पे क्या आया है, मेरा पावर का फॉर्मूला टी वन इंटू सी इंटू भी, ठीक है ना। ये फॉर्मूला पे चल रहे हैं, ठीक है ना। पी बराबर टी वन इंटू सी इंटू भी, तो मतलब पी बराबर टी वन इंटू सी इंटू भी। टी वन को क्या लिख सकते हैं हम यहाँ से, टोटल टेंशन माइनस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण जो टेंशन आ रहा है, टी टी वन माइनस टी सी इंटू सी इंटू भी। तो फिर यहाँ पे क्या है, भी को अंदर कर दिया, ठीक है ना। यहाँ पे टी टी वन को टी कंसिडर कर रहा है, टोटल टेंशन को टी कंसिडर कर रहा है, तो हम इसको टी टी वन को टी कर दे रहे हैं, माइनस टी सी इंटू सी इंटू भी, टी भी माइनस। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण जो टेंशन हो रहा है, ठीक है ना, हम लोग क्या जानते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता था, एम वी स्क्वायर बाय आर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एम वी स्क्वायर लिख रहा है, ठीक है ना। लेकिन एम का यूनिट क्या हो जा रहा है, केजी पर मीटर हो जा रहा है, मतलब क्या है, मास पर यूनिट लेंथ दिया हुआ है। ये जो यहाँ पे एम लिखेंगे ना अभी, वो मास पर यूनिट लेंथ हो जाएगा, टी वी ये हो जाएगा, एम वी स्क्वायर इंटू वी हो जाएगा, वी को अंदर कर दे रहे, ठीक है ना, इंटू सी हो गया। क्योंकि इस पे क्वेश्चन आया हुआ है गेट पे, ये टी वी हो गया माइनस एम वी क्यू इंटू सी। अब क्या बोला है, ये मेरा यहां तक आ गए हैं। अब यहाँ पे क्या है कि मैक्सिमम पावर के लिए, मैक्सिमम पावर के लिए क्या करना है, हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देंगे, एक बार वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफ्रेंशिएट कर दिए। तो क्या आ रहा है, टी बराबर थ्री टी सी आ रहा है, मतलब क्या, जो सेंट्रीफ्यूगल टेंशन होता है ना, वो जो मैक्सिमम टेंशन है उसका 1/3 होता है। तो हो सकता है ये क्वेश्चन सीधा एग्जाम में आ जाए कि इट शोज दैट व्हेन द पावर ट्रांसमिटेड इज मैक्सिमम, जब पावर ट्रांसमिटेड मैक्सिमम होगा तो 1/3 ऑफ द मैक्सिमम टेंशन इज एब्जॉर्ब्ड एज सेंट्रीफ्यूगल टेंशन। तो जो 1/3 जो टेंशन हो जाता है वो एज ए सेंट्रीफ्यूगल टेंशन के रूप में ऑब्जर्व हो जाता है, जब पावर ट्रांसमिटेड मैक्सिमम हो रहा है। क्यों, क्योंकि हम लोग डिफ्रेंशिएट किए हुए हैं, डीपी बाय डीवी बराबर 0 किए हुए हैं, तो टी बराबर 3 TC आया है। तो यहाँ पे क्या तुम लोग का ध्यान रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन में डायरेक्टली वैल्यू दे दिया है, ठीक है ना। नहीं अगर दिया हुआ रहता है वैल्यू, तो हम लोग ये कॉन्सेप्ट पता रहना चाहिए।
हम लिख रहे हैं क्या चेंजेज हो रहा है, पी बराबर T1 - T2 इंटू वी में कोई चेंजेज नहीं हुआ है सेंट्रीफ्यूगल के कारण, ठीक है ना। लेकिन जब हम लोग T1 / T2 e^μθ में कंसिडर कर रहे हैं, तो उस केस में जो आ रहा है चेंजेज T1 - TC T2 - TC बराबर e^μθ हो रहा है, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से कारण ऐसा चेंज आ रहा है। और जो ये सेंट्रीफ्यूगल टेंशन जो होता है वो 1/3 होता है जो मैक्सिमम टेंशन जो आ रहा है। तो बहुत सारा क्वेश्चन में क्या रहेगा, डायरेक्ट दिया हुआ है कि मैक्सिमम जो टेंशन जो बेल्ट में लग रहा है वो टी लग रहा है, तो सेंट्रीफ्यूगल टेंशन क्या होगा, 1/3 होगा। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को क्या लिख सकते हैं हम लोग, सेंट्रीफ्यूगल टेंशन को mv² लिख सकते हैं, जहां पे एम क्या है, मास पर यूनिट लेंथ है, मास पर यूनिट लेंथ है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, वही तो लिख रहे हैं, टेंशन फोर्स क्या सेम है, mv² / r होता है, तो m/r यहाँ लिखा हुआ है, कंबाइन करके लिखा हुआ, तो क्वेश्चन यही दिया हुआ रहता है, m का वैल्यू मास पर यूनिट लेंथ रहता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा तुम्हारा न्यूटन में आएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर बस यही तीन तुम लोगों को फॉर्मूला ध्यान में रखना है, तीन में ये तो सबको ध्यान में है, ये सबको पता है, सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेज कर देना है, और ये TC जो होता है 1/3 हो जाता है जो मैक्सिमम टेंशन जो होता है ना उसका, कि 1/3 ऑफ मैक्सिमम टेंशन एब्जॉर्ब एज सेंट्रीफ्यूगल टेंशन, बाकी ये सारा स्टेप था, ठीक है ना। तो ये स्टेप को उतना सोचना नहीं है, क्योंकि तो उसी के ऊपर क्वेश्चन बनेगा अभी, दो क्वेश्चन, ठीक है। ये भी ठीक था, किसी को दिक्कत नहीं ना है उसमें। अच्छा इस पिक्चर में बता, तुम लोग अस्नब पुली नजर आ रहा है, बता तो अस्नब पुली कौन है, ए है, ये बी वाला पुली है, ये सी पुली है, ये डी है, ये ई है, इसमें अस्नब पुली कौन है बताओ तो तुम लोग, इस पिक्चर में अस्नब पुली कौन है। सी क्या है, अस्नब पुली है, ठीक है। अब देखो जब भी ये जो हम लोग अभी बेल्ट का है ना, जब देखेंगे लेंथ का कैलकुलेशन जो होता है, तो देखो जो बड़ा वाला जो व्हील होता है ड्राइविंग पुली हो, या जो बड़ा वाला पुली होता है, एक छोटा वाला पुली होता है, देखो बड़ा वाला पुली में देखो एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट ये 180 डिग्री हो गया पूरा, फिर भी ये अल्फा, ये अल्फा मतलब बड़ा वाला में एंगल ऑफ जो कॉन्टेक्ट होता है ना वो 180 डिग्री + 2 अल्फा होता है। मतलब क्या, ये पूरा डायमीटर ले लो, डायमीटर से भी ज्यादा आ रहा है, ठीक है ना। तो एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट इधर से लेंगे ना, कि बेल्ट इतना एंगल तक इसमें कॉन्टेक्ट किया हुआ है, तो एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट जो बिगर पुली रहेगा वहां पे 180 डिग्री + 2 अल्फा होता है, लेकिन जब स्मॉलर पुली रहेगा ना, ये छोटा पुली है, तो ये जो एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट होता है ये मान लो छोटा वाला पुली, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट होगा ना वो इस तरीके से कहीं इधर होगा, इधर होगा, ये इस तरीके से, मतलब 180 डिग्री से कम रहेगा पूरा, यहां से यहाँ 180 डिग्री है, लेकिन ये इतना एंगल और ये एंगल माइनस हो जाएगा। ये मान लो छोटा पुली है, ये बड़ा पुली है, ठीक है ना। अगर इस केस में लेते हैं, मान लो यहाँ कहीं टच कर रहा है, तो एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट जो होगा, ये तो हो गया पूरा 180 डिग्री, ये अल्फा हो गया, ये अल्फा हो गया, मतलब 180 डिग्री + 2 अल्फा। लेकिन स्मॉलर पुल्ली में जो एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट होता है, ये मान लो यहाँ कॉन्टेक्ट कर रहा है, ये यहाँ कॉन्टेक्ट कर रहा है, ठीक है ना। तो 180 में ये अल्फा और ये अल्फा माइनस हो गया, तो 180 डिग्री - 2 अल्फा, तो ये एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट होता है स्मॉलर पुल्ली में, ठीक है। बड़ा पुली और छोटा पुली में एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट क्या होता है, 180 डिग्री + 2 अल्फा बड़ा में, या छोटा में 180 डिग्री - 2 अल्फा, ये अभी और डिटेल में डिस्कस करेंगे, इस पिक्चर में भी कंसीडर कर सकते हो, ठीक है ना। कि देखो यहाँ पे क्या है, ये ड्राइविंग पुली है, ये पूरा है 180 डिग्री हो गया, ठीक है ना। लेकिन एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट क्या है, बेल्ट यहाँ तक है, तो ये यहाँ से एक सेंटर ऐसे ड्रॉ करो,
अब बेल्ट यहाँ इधर कंटेक्ट है, तो ये अल्फा एंगल हो गया, ये अल्फा एंगल हो गया, और 180 प्लस 2 अल्फा हो गया। और यहाँ पे क्या है कि अगर सेंटर हम लोग यहाँ ड्रॉ करते हैं तो स्मॉलर पुल्ली में इधर तक ही कॉन्टेक्ट रहता है, तो क्या हो जाएगा इधर से ये यही एंगल होगा, एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट 180 डिग्री माइनस 2 अल्फा। तो जो हम लोग लेंथ का कैलकुलेशन करेंगे बेल्ट का, ये पूरा लेंथ, ये यहां से लेके यहां तक का, ये आर्क जो बन रहा है इसका, फिर ये लेंथ का, फिर ये जो आर्क बन रहा है इतना, तो ये पूरा लेंथ का कैलकुलेशन करने का स्टेप है, फॉर्मूला है जिसके थ्रू हम लोग लेंथ कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, देखो जो टायर सेट और स्लेक जो होता है ना, ये इस तरीके से स्लेक होता है, ठीक ना, जब ये बेल्ट घूमना स्टार्ट होता है, ड्राइविंग ड्राइवर पुल्ली जो है, ड्राइविंग पुल्ली है, जैसे घूमना स्टार्ट हुआ इधर टाइट साइड होता है, तो इधर क्या होगा, धीरे धीरे हल्का सा लूज होता है, इसलिए इसको स्लेक साइड बोला जाता है, इसको लाइटर साइड ही बोला जाता है, ठीक है ना, लाइटर साइड, और ये हो गया हेवियर साइड। तो ध्यान रखना क्वेश्चन में लाइटर वर्ड भी यूज किया जा सकता है या टाइट साइड और स्लेक साइड ही बोल सकता है। ठीक है, कल हम जो ये फॉर्मूला बताए हुए थे ना, T1 बाय T2 बराबर e का पावर म्यू थीटा, तो देखो यहाँ पर सिंपल दिया हुआ है, ठीक है ना, हम लोग सिंपल अभी कर कहीं पे देखते हैं कि ये बॉडी है, ये फ्रिक्शनल सरफेस है, ठीक है ना, इस पे नॉर्मल रिएक्शन मान लो, इस पे नॉर्मल रिएक्शन कॉन्टेक्ट सरफेस पे आर लग रहा है, ये नीचे mg है, इधर इस पे फोर्स लग रहा है, इसमें फ्रिक्शन फोर्स क्या लिखते हैं सिंपल हम लोग, कि फ्रिक्शन फोर्स जो लग रहा है म्यू एम जी लगता है ना, यही लिखते हैं फ्रिक्शन फोर्स। तो यहाँ पे क्या है, जो स्लिप होता है बेल्ट ड्राइव में, वो इक्वेशन सिंपल लिख रहा है कि ये डेल्टा टी लिखा है, क्या मतलब, डिफरेंस इन टेंशन टाइट साइड माइनस स्लैक साइड का, ये कुछ नहीं देखना है, ये फॉर्मूला रटना नहीं है, वो म्यू आर है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बोलता है कि वेन दिस कंडीशन एग्जिस्ट इन ए बेल्ट ड्राइव, देखो यहाँ पे क्या है, मीन्स दैट द डिफरेंस बिटवीन द टेंशन इन द टाइट साइड एंड स्लैक साइड इज इक्वल टू द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, मतलब जो डिफरेंस इन टेंशन है टाइट साइड माइनस स्लैक साइड, ये किसके इक्वल है, फ्रिक्शनल फोर्स के इक्वल है। जब ये कंडीशन एग्जिस्ट करेगा बेल्ट ड्राइव में, तो क्या होगा, जो फ्रिक्शन रहेगा पुल्ली और बेल्ट के बीच में, फ्रिक्शन बिटवीन द पुल्ली एंड द बेल्ट इन कॉन्टेक्ट विथ इट विल प्रोवाइड द नेसेसरी फ्रिक्शन ग्रिप टू प्रिवेंट द साइडिंग ऑफ द बेल्ट, स्लाइडिंग ऑफ द बेल्ट, मतलब क्या, जब T1 माइनस T2 बराबर e का पावर म्यू थीटा वाला अपना सिचुएशन रहेगा नॉर्मल, ये सिचुएशन रहेगा, तो उसमें क्या है कि उतना ही टेंशन प्रोवाइड किया जा रहा है कि फ्रिक्शनल फोर्स के इक्वल हो, फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा ना हो। अगर टेंशन जो हम प्रोवाइड कर दे बेल्ट में, अगर ये टेंशन बेल्ट में T1 बाय T2 है, ठीक है ना, ये टेंशन जो है बेल्ट में अगर हम प्रोवाइड कर दे e का पावर म्यू थीटा से, मतलब एक तरीके से क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स से अगर ज्यादा प्रोवाइड कर दें, ये क्या है, म्यू है, फ्रिक्शनल फोर्स है, अगर जो डिफरेंस है टेंशन में अगर वो फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा हम कर देंगे, तो क्या होगा, फिर मेरा बेल्ट स्लिप करना स्टार्ट हो जाएगा। तो जो कल हम बताए हुए थे T1 बाय T2, उल्टा कल बता दिए थे, ठीक है, लेजर बताए थे, लेजर नहीं होगा, क्या होगा, स्लिपिंग का कंडीशन, स्लिप कब करेगा, जब टेंशन जो रहेगा ना अगर ई का पावर म्यू थीटा से ज्यादा हो जाएगा, तो उस केस में स्लिप होने लगेगा, बेल्ट जो है क्या होने लगेगा, स्लिप होने लगेगा। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे, कि जब टेंशन रहेगा, डिफरेंस जो टेंशन रहेगा टाइट साइड और स्लैक साइड में, वो ग्रेटर देन हो जाएगा फ्रिक्शनल फोर्स के कारण, क्योंकि पुल्ली है और ये बेल्ट है, फ्रिक्शन फोर्स है जिसके कारण ये घूम रहा है, ठीक है ना, फ्रिक्शनल फोर्स के कारण घूम रहा है। अब टेंशन ही इतना ज्यादा हो जा रहा है ना कि वो फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा हो जा रहा है, जैसे टेंशन फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा होगा तो फिर क्या होगा, बेल्ट स्लिप करने लगेगा। तो ये ध्यान रखना कि कंडीशन ऑफ स्लिपिंग क्या है, T1 बाय T2 अगर ग्रेटर देन हो जाएगा e का पावर म्यू थीटा से, तो बेल्ट स्लिप करने लगेगा, कल हम थोड़ा उल्टा बता दिए थे, ठीक है ना, इस चीज को ध्यान रखना। एक चीज ये भी ध्यान रखना, सिंपल सा है, हो सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पे दे दे कि अगर ड्राइवर है, जो ड्राइविंग पुल्ली है उसका आरपीएम N1 है, और जो ड्रिवेन पुल्ली है वो N2 स्पीड से घूम रहा है, ठीक है ना, तो N2 बाय N1 जो होगा
वो डी वन बाय डी टू हो जाएगा। डी वन क्या है, डायमीटर है, ठीक है ना। तो एन टू बाय एन वन को या इक्वल टू डी वन बाय डी टू, ये कहलाता है वेलोसिटी रेशियो। एन टू बाय एन वन बराबर डी वन बाय डी टू, जहां पे हम लोग बेल्ट के थिकनेस को नेग्लेक्ट कर दिए हैं, तो एन टू बाय एन वन को हम लोग वेलोसिटी रेशियो कहते हैं। और इन बेल्ट ड्राइव क्या होता है, जो स्पीड रहता है पुल्ली का ना, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स डायमीटर होता है। मतलब क्या, जो भी बराबर पाई डी एन बाय 60 लिखते हैं, तो एन और डी में क्या रिलेशन है, तो एन क्या हो जाएगा, एन डी साथ में है, मतलब एन जो रहेगा, डी जो रहेगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डी रहेगा, ठीक है ना। मतलब एन वन डी वन बराबर एन टू डी टू, ये सिंपल फॉर्मूला है, क्योंकि एन डी साथ में है, ठीक है ना, डी एन हमेशा साथ में है। तो यहीं से एन टू बाय एन वन क्या हो जाएगा, डी वन बाय डी टू, ये कहलाता है वेलोसिटी रेशियो। ये कब है, जब कोई स्लिप नहीं होगा, जब स्लिप जीरो है, स्लिप जब जीरो रहेगा, तो ये फॉर्मूला को ध्यान में रखना है, एन टू बाय एन वन बराबर डी वन बाय डी टू। और इसमें थिकनेस को हम लोग नेग्लेक्ट कर दिए हैं, थिकनेस को कंसिडर नहीं किए हैं। और जब थिकनेस को हम लोग कंसिडर करेंगे एन टू बाय एन वन, तो फॉर्मूला में क्या चेंज होगा, देखो अभी डी वन बाय डी टू तो जान रहे हैं, और जब थिकनेस को कंसिडर करेंगे, तो प्लस टी यहाँ कर दो थिकनेस बेल्ट का, प्लस टी बेल्ट का थिकनेस यहाँ कर दो, और साथ में जब हम लोग स्लिप को कंसिडर करेंगे, अभी क्या कर रहे थे, यहाँ स्लिप को कंसिडर नहीं किए थे, स्लिप जीरो था, नो स्लिप, स्लिप इक्वल टू जीरो। और जब स्लिप को भी कंसिडर करेंगे, तो साथ में क्या टर्म आ जाएगा, वन माइनस एस बाय 100। तो ये एक फॉर्मूला ध्यान में रखना है, ठीक है ना। इसी फॉर्मूला से हम लोग पहला वाला फॉर्मूला मार सकते हैं क्या, कि जब स्लिप जीरो रहेगा तो एस जीरो हो गया, थिकनेस नहीं रहेगा, थिकनेस जीरो हो गया, तो एन टू बाय एन वन क्या हो जाएगा, डी वन बाय डी टू हो जाएगा। और एस क्या होता है, जो स्लिप रहेगा वो एस वन प्लस एस टू, देट इज टोटल परसेंटेज ऑफ स्लिप। एस वन क्या है, परसेंटेज ऑफ स्लिप बिटवीन द ड्राइवर एंड द बेल्ट। जो पुल्ली ड्राइवर पुल्ली है, ड्राइविंग पुल्ली है, पुल्ली और बेल्ट के बीच में कितना स्लिप हो रहा है, उसका परसेंटेज एस वन दिया हुआ है। और एस टू क्या दिया हुआ है, जो ड्रिवेन पुल्ली है या फ्लोवर है, और उसके बेल्ट में कितना स्लिप हो रहा है दोनों के बीच में, वो एस टू परसेंटेज दिया हुआ था। एस बराबर क्या होता है, एस वन प्लस एस टू। परसेंटेज में जब मान लो एस दिया हुआ रहेगा 20% स्लिप कर रहा है, एस वन दिया हुआ रहेगा, एस टू दिया हुआ रहेगा 30% कर रहा है, तो 20 प्लस 30 50 हो जाएगा, 50% मतलब 50/100, इसलिए लिख दिया फॉर्मूला में। तो एक इस फॉर्मूला को ध्यान रखना, इस फॉर्मूला पे क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा है, और लास्ट ईयर भी गेट में कन्वेयर बेल्ट से क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ है, लेकिन उसके 2020 में दो क्वेश्चन आया हुआ था, तो इस साल भी आने का बहुत ज्यादा चांस है, ठीक है ना। कि जो सेक्शन से मान लो क्वेश्चन नहीं आ रहा है 2 साल से, तो उससे इस बार आने का क्वेश्चन आने का चांस बहुत ज्यादा है, तो इस फॉर्मूले को ध्यान रखना। बाकी अब हम लोग आज का मेन जो अपना टॉपिक है उस पे आते हैं, लेकिन उस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक और देख लो, कि जब है ना बेल्ट नहीं मूव कर रहा है, ठीक है ना, ये नॉर्मल स्टेज में बेल्ट है, तो इस केस में भी इसके ऊपर एक टेंशन लगता है, जिसको T0 से डिनोट करते हैं। और ये क्या होता है, टेंशन ऑन टाइट साइड प्लस टेंशन ऑन स्लैक साइड डिवाइड बाय टू। जब बेल्ट मूवमेंट में मोशन में नहीं है, फिर भी बेल्ट के ऊपर है ना एक टेंशन लगता है, जिसको हम लोग इनिशियल टेंशन बोलते हैं, जिसको डिनोट करते हैं T0 से। और वो क्या होता है, एवरेज ऑफ टेंशन ऑन द टाइट साइड प्लस टेंशन ऑन द स्लैक साइड, इसका एवरेज होता है। ये छोटा छोटा चीज है, ये सबको ध्यान रखने वाली चीज है, क्योंकि ये सब है, सिंगल क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा, लेकिन कहीं क्वेश्चन में यूज कर लेता है कि इनिशियल टेंशन इतना लग रहा है। अब हो सकता है जो हम लोग अभी कल फॉर्मूला यूज कर रहे थे ना, पी बराबर T1 - T2 × V यूज कर रहे थे, और दूसरा रिलेशनशिप कहाँ से निकाल रहे थे, T1 / T2 बराबर e^μ θ से निकाल रहे थे, ठीक है ना। अब ये म्यू थीटा कुछ नहीं देगा, अब क्या दे देगा, कि इनिशियल टेंशन दिया हुआ रहेगा, तो उस केस में जब इनिशियल टेंशन दिया हुआ रहेगा, तो T1 + T2 / 2, यहाँ से T1 T2 के बीच में रिलेशनशिप आ जाएगा, और यहाँ से एक T1 T2 के बीच में रिलेशनशिप आ जाएगा, इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। मतलब हो सकता है ये वाला कंडीशन दे, ये दोनों फॉर्मूला दे दे यूज करके निकालने के लिए,
या ये दोनों फॉर्मूला दे दे, या ये दोनों फॉर्मूला दे दे, कोई भी फॉर्मूला दे सकता है, मतलब क्वेश्चन पूछ सकता है ये सब फॉर्मूला पे बेस्ड। ठीक है, अब हम लोग आते हैं कि बेल्ट का लेंथ क्या होता है। ये जो बेल्ट है ओपन बेल्ट ड्राइव जो होता है, ये ओपन बेल्ट है, ठीक है ना, और ये क्या हो गया, क्रॉस बेल्ट हो गया। तो ये जो पूरा बेल्ट इसके ऊपर चारों ओर गया हुआ है, इस बेल्ट का लेंथ क्या होगा, और इस केस में लेंथ क्या होगा। तो देखो ये बेल्ट का लेंथ कैसे निकाला जाएगा, ठीक है ना, थोड़ा सा एक का हम स्टेप बता देंगे, बाकी फॉर्मूला तुमको तो अल्टीमेटली ये फॉर्मूला ही ध्यान में रखना है, ये फॉर्मूला ही ध्यान में रखना है, ये फॉर्मूला इजिली से ध्यान में आ भी जाएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम इसके अकॉर्डिंग चलते हैं यहाँ पे, इस पिक्चर को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं कि लिखने में जरा हमको ज्यादा तकलीफ ना हो। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना हुआ उधर जो अभी बताए, थोड़ा सा न्यूमेरिकल कुछ फॉर्मूला ही था, न्यूमेरिकल तो नहीं करवाए हैं लेकिन न्यूमेरिकल भी करवाए हैं। देखो यहाँ पे क्या है, हमको क्या निकालना है, टोटल लेंथ ऑफ बेल्ट कैसे निकलेगा। तो देखो क्या क्या लिख रहे हैं हम, टोटल लेंथ निकालना है बेल्ट का। तो ये देखो यहाँ पोर्शन जी से लेके जी जे ई, ठीक है ना, ये आर्क हो गया, आर्क जी जे ई प्लस क्या हो जाएगा, ई से एफ तक का लेंथ हो जाएगा, ई से लेके एफ तक का लेंथ प्लस क्या हो जाएगा, आर्क जो है एफ के एच, आर्क एफ के एच प्लस क्या हो जाएगा, एच से जी लेंथ हो जाएगा। ठीक है, इसमें किसी को दिक्कत, ये जो लिखे हुए हैं बेल्ट का लेंथ निकालने के लिए जो फर्स्ट स्टेप लिखे हुए हैं, आर्क जी जे ई, ये है ना कि इस पुल्ली के चारों ओर यहां तक बेल्ट गया हुआ है। ठीक है, उसके बाद हम क्या किए हैं, ई से एफ तक का, यहां तक का, फिर ये आर्क एफ के एच बन रहा है, उसके बाद फिर एच से जी। तो इसमें क्या है, जो ई एफ है ना, ई एफ इक्वल टू, ये ई एफ इक्वल टू एफ जी है, ठीक है, और क्या है, ये जो आर्क लिखे हैं हम, अगर आर्क जी जे भी कर देंगे प्लस जे ई कर देंगे, दोनों सेम है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस कर दे रहे हैं, ट्वाइस ऑफ आर्क, कुछ भी लिख दे, मान लो जे ई कर दिए, ठीक है ना, जे ई कर दिए, दो टाइम्स क्या हो गया, ट्वाइस हो गया आर्क जे ई, मतलब अगर ये निकाल देंगे, इसको डबल कर देंगे, तो ये मेरा ये भी आ जाएगा, यहां से यहां, यहां से यहां, दोनों तो सेम ही है, ये 90+ अल्फा, ये 90+ अल्फा, ठीक है, दोनों सेम है, प्लस ई एफ, ई एफ और जी एच इक्वल है, तो हम सिर्फ ई एफ लिख रहे हैं, क्यों, क्योंकि दो बाहर कर लिए हैं। उसी तरीके से यहां पे क्या है, आर्क एफ के एच है, सिर्फ आर्क हम एफ के लिखते हैं, और एच जी तो ले लिए हैं ना, एक ई एफ ले लिए हैं, तो एच जी उसी में कवर हो गया, ट्वाइस हो गया। किसी को डाउट है यहां पे, इस स्टेप में किसी को डाउट है, इसमें ये ध्यान रखना है कि ये जो दोनों पुल्ली है ना, ये दोनों पुल्ली के बीच में सेंटर का डिस्टेंस जो O1 से O2 का जो डिस्टेंस है, O1 O2, वो डिस्टेंस x है। क्या डिस्टेंस है, डिस्टेंस x है, और ये जो अल्फा एंगल है, मान लो ये जो पुल्ली है, ठीक है ना, बेल्ट इसके ऊपर गया है, ये तो 180 डिग्री हो गया, ये अल्फा एंगल है, इस एंगल को क्या बोला जाता है, एंगल ऑफ लेप बोला जाता है, अल्फा एंगल को एंगल ऑफ लेप बोला जाता है। तो आर्क जेई कैसे निकालेंगे, हम यहां लिख दे रहे हैं, आर्क जेई कैसे निकालेंगे, तो हम लोग क्या जानते हैं कि थीटा बराबर क्या होता है, आर्क बाय रेडियस होता है, थीटा बराबर आर्क बाय रेडियस, यही होता है। थीटा क्या है, हम लोग ये जान रहे कि ये 90 हो गया प्लस अल्फा हो गया,
तो मतलब इसको पाए बाय 2 प्लस अल्फा लिख सकते हैं। आर्क क्या होगा, जे से ई हो गया, आर्क जे से ई डिवाइड बाय त्रिज्या मतलब रेडियस, ये R1 रेडियस हो गया है, इसका रेडियस R2 दे रहे हैं छोटे वाले का, ठीक है ना। तो R1 हो गया, तो आर्क जेई को क्या लिख सकते हैं हम लोग, पाई बाय 2 प्लस अल्फा इंटू R1, ठीक है। ई एफ अभी छोड़ देते हैं, ई एफ निकालेंगे, और आर्क सी एफ के को क्या लिख सकते हैं, आर्क एफ के, ठीक है ना, आर्क एफ के को क्या लिख सकते हैं, थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पे, पाई बाय 2 माइनस अल्फा हो जाएगा। थीटा क्या हो जाएगा, पाई बाय 2 माइनस अल्फा, क्योंकि देखो ये 180 डिग्री वाला लाइन है और एफ इधर है, तो ये एंगल जो है ये पूरा 90 डिग्री हो गया, तो 90 में इतना कम हो जाएगा, तो 90 में उतना अल्फा कम कर दिए, पाई बाय 2 माइनस अल्फा। आर के लिख देते हैं आर्क एफ के डिवाइड बाय R2, तो आर्क एफ के क्या हो जाएगा, पाई बाय 2 माइनस अल्फा इंटू R1, ठीक है। इसमें भी किसी को कोई दिक्कत नहीं, ये दो निकल गया। अब मेरा आता है मेन, EF कैसे निकालेंगे हम, EF कैसे निकालेंगे, इस पिक्चर को एक बार हम रिमूव करते हैं जो हम ड्राइंग किए हुए हैं। अब इसमें कुछ हम लोग को ड्राइंग करना है कि हम लोग कैसे निकालेंगे EF, जो लेंथ है वो कैसे निकालेंगे। कहाँ चला गया पॉइंटर है, बस ये एक फॉर्मूला बता के, डेरिवेशन बता के हम फिर न्यूमेरिकल आज हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। देखो यहाँ पे क्या है, ये जो ई एफ गया हुआ है ना, ये जो ई एफ गया हुआ है, इसी के पैरेलल में हम लोग यहां से एक लाइन खींच रहे हैं जो परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट कर रहा है इसको, ठीक है ना। तो क्या हो गया, ये जो लाइन गया है ये इसी के पैरेलल का लाइन है, तो मतलब ये जो लेंथ है और ये जो लेंथ रहेगा दोनों क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ये जब R2 है तो ये भी क्या हो जाएगा, छोटा वाला R2 हो जाएगा, और टोटल यहां से यहां क्या है, ये R1 है, ठीक है। और ये जो एंगल है यहाँ पे, ये भी जो एंगल बन रहा है, ये जो लाइन जो एंगल बना रहा है सेंटर पे, ये कितना एंगल बना रहा है, ये अल्फा एंगल, क्योंकि कंस्ट्रक्शन के अनुसार देखेंगे ये अल्फा है तो ये भी अल्फा हो जाएगा, ठीक है ना। ये अल्फा हो गया, और जब ये अल्फा एंगल हो गया तो मेरा सिर्फ ये डिस्टेंस कितना होगा, O1 से M तक का डिस्टेंस क्या होगा, O1 से M तक का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कैसे निकलेगा, O1E, O1E करेंगे, माइनस अगर हम लोग EM करते या ME करते हैं, O1E क्या है, पूरा R1 है, इसमें R2 माइनस कर दिए, तो मतलब मेरा OM क्या हो जाएगा, R1 माइनस R2, ठीक है। किसी को दिक्कत यहां पे, हाँ अब हम लोग क्या निकालना है, जी निकालना, मतलब ये निकालना है एम से लेके, मान लो अब ओ टू एम हो गया, जो भी यहां कंस्ट्रक्शन जो किए हैं, ठीक है, उसके अनुसार क्या हो गया, जो ई एफ था, ई एफ बराबर जी एच बराबर क्या हो गया, एम ओ टू हो गया, ये तीनों इक्वल है। तो यहां पे अगर एम ओ टू निकाल लेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, जो एम ओ टू होगा वही मेरा ई एफ हो जाएगा, तो ई एफ यहां से कैसे निकलेगा, फिर ई एफ मेरा कैसे निकलेगा, वो हम सिर्फ अभी जो ट्रायंगल बनाएंगे ना, जो ट्रायंगल बना है वही ट्रायंगल से क्वेश्चन मतलब न्यूमेरिकल डायरेक्ट आता है। क्या हो जाएगा, हम ओ टू एम या एम ओ टू कैसे निकालेंगे, एम ओ टू क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा हाइपोटेनियस हो गया, हाइपोटेनस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, ठीक है ना, ये क्या हो गया, बेस हो गया। तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस O1 O2 का स्क्वायर माइनस O1 M का स्क्वायर रूट अंडर हो जाएगा ये, तो O1 O2 क्या बोलते हैं कि सेंटर का डिस्टेंस ये एक्स है, एक्स का स्क्वायर हो गया माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर हो गया, ठीक है।
अब हम लोग क्या करेंगे, यहां से एक्स को कॉमन ले लेंगे। एक्स को यहां से हम लोग कॉमन ले लिए तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर को बाहर निकाल रहे हैं तो एक्स बाहर निकलेगा, तो वन माइनस आर वन माइनस आर टू डिवाइड बाय एक्स का स्क्वायर का पावर 1/2 हो गया। ठीक है ना, ये फॉर्मूला में किसी को दिक्कत नहीं, यहां तक हम नॉर्मल किए हुए हैं। अब क्या है, यहाँ पे एक स्टेप करते हैं, बाइनोमियल एक्सपेंशन करते हैं। बाइनोमियल थ्योरम यूज करके बाइनोमियल एक्सपेंशन करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, मेरा जो भी अभी हम निकाले हुए थे MO2 एक्स था, वन माइनस जो भी पावर था ना वो यहां पे आ जाएगा, 1/2 आर वन माइनस आर टू बाय एक्स का। ठीक है ना, सिंगल स्टेप भी किए हैं, ज्यादा हम एक ही बार में चले। वन माइनस क्या होता है, अगर इस तरीके के फॉर्म में रहता है वन माइनस एक्स का पावर एन, तो क्या होता है वन माइनस एन एक्स, फिर प्लस माइनस करके इस तरीके से चलता है। ठीक है ना, सिंपल एक ही स्टेप किए हुए हैं यहाँ पे, ये आ गया। ठीक है ना, अब हम लोग देखो यहां से और क्या निकाल सकते हैं, साइन अल्फा क्या होगा, तुम लोग साइन अल्फा बताओ यहां से क्या होगा। ये अगर साइन अल्फा निकालना चाहेंगे तो क्या होगा, साइन अल्फा क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस होता है, तो क्या होगा साइन थीटा, साइन अल्फा क्या होगा, यहां पे कैसा बन रहा है, इस तरीके से बन रहा है ना, और ये तुम्हारा हाइपोटेनियस हो गया। ठीक है ना, अरे यार फिगर ही पकड़ा जाता है। ये फिगर उल्टा बन जा रहा है, ठीक है ना, फिगर देखने में लग जाएगा उल्टा कि मेरा यही। ये कहीं कुछ निकला तो नहीं है, MO2 वन माइनस, एक मिनट, ठीक है एक्स था। अब देखो साइन अल्फा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर क्या था, आर वन माइनस आर टू, और दोनों सेंटर के बीच का डिस्टेंस क्या है, एक्स है, तो ये एक्स हो गया। ठीक है ना, आर वन माइनस आर टू बाय एक्स हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, वो जो अपना मेन फॉर्मूला जो था ना, एल बराबर जो लिखे थे 2 × π/2 प्लस अल्फा इंटू आर वन, ठीक है, प्लस π/2 माइनस अल्फा इंटू आर टू, और क्या था साथ में, प्लस ई एफ था, ये दोनों लिख दिए। ठीक है ना, आर वन या आर टू होगा, ये लिख दिए हैं। अब क्या है, ई एफ का जो लिखना है, ई एफ लिखना है क्या है, तो ई एफ में ये आ गया तुम्हारा, प्लस एक्स वन माइनस 1/2 आर वन माइनस आर टू का स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स का स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है ना, अब इसको जब हम लोग सोल्व करेंगे ना, क्योंकि अब हम ज्यादा स्टेप कुछ बता नहीं रहे हैं, इसको जब सोल्व करेंगे तो हम लोग जो एल निकलेगा ना वो क्या निकलेगा, पाई आर वन प्लस आर टू प्लस 2x, पाई टाइम्स क्या हो जाएगा दोनों का रेडियस, प्लस 2 टाइम्स दोनों के बीच का सेंटर का डिस्टेंस, प्लस आर वन माइनस आर टू का स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स, ये फॉर्मूला आ जाएगा लास्ट में, जो फाइनली आता है ये फॉर्मूला आता है। हमको यहाँ सिर्फ मकसद था कि साइन अल्फा वगैरह तुम लोग निकालना सीख जाओ, बस इसलिए हम इस स्टेप तक आए थे। देखो ये फॉर्मूला तुम लोग ध्यान रखना है कि जो लेंथ होता है ओपन ड्राइव बेल्ट का वो क्या होता है, पाई आर वन प्लस आर टू प्लस 2x प्लस आर वन माइनस आर टू का होल स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स हो गया। ये लेंथ हो गया ओपन ड्राइव बेल्ट का। अब क्रॉस ड्राइव बेल्ट में क्या डिफरेंस आता है, सिर्फ क्रॉस में क्या डिफरेंस आता है, ये जो माइनस साइन है ना ये प्लस हो जाता है सिर्फ। ये ओपन बेल्ट का था, देखो यहाँ पे क्या है, ये दोनों सेम है, सिर्फ यहाँ पे चेंज आ जाता है, आर वन प्लस आर टू हो जाता है। ठीक है,
क्यों R1 + R2 होता है? क्योंकि देखो ये R1 था, यहाँ पे जो परपेंडिकुलर जो लेते हैं ना, जो पैरेलल लाइन लेते हैं, वो बाहर चला जा रहा है, तो ये R2 है और ये R1 है, इसलिए क्या हो जा रहा है, R1 + R2 हो जा रहा है। तो बस ये फॉर्मूला का तुम लोग को ध्यान में रखना है, ध्यान में रखना है। और ये डायरेक्टली ध्यान रखो एक चीज और, कि एंगल ऑफ जो कॉन्टेक्ट होता है ना बड़ा पुल्ली का हमेशा एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट 180 डिग्री + 2 अल्फा होगा। छोटा वाले पुल्ली का जो एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट होगा, अगर टोटल एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 180 डिग्री - 2 अल्फा। देखो यहाँ पे ये पूरा यहां से यहाँ 180 डिग्री है, और ये अल्फा माइनस कर दिए, 180 डिग्री - 2 अल्फा हो गया। और जब साइन अल्फा निकालेंगे, बड़ा का निकाले या छोटा का निकाले, R1 - R2 / x अभी जो निकाले हम लोग, तो बड़ा का भी वही निकलेगा, छोटा का भी वही निकलेगा, R1 - R2 / x। ये सी लिखा हुआ है, सी लिखा हुआ है, सेंटर डिस्टेंस यहाँ लिखा हुआ है, O1 O2 को सी माना हुआ है, हम एक्स माने हुए, कंफ्यूज नहीं करना है। आज जब क्रॉस बेल्ट लेते हैं ना, तो क्रॉस बेल्ट के केस में जो एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट होगा वो हमेशा 180 डिग्री + 2 अल्फा, 180 डिग्री + 2 अल्फा। और अगर साइन अल्फा निकालेंगे तो R1 + R2 / c होगा, ये भी R1 + R2 / c होगा। क्यों होगा वो, क्रॉस बेल्ट में क्यों होता है, ये देखो साइन अल्फा है, ये परपेंडिकुलर हो गया, और ये क्या हो गया, हाइपोटेनियस हो गया। तो साइन अल्फा क्या हो जाएगा, R1 + R2 / x हो जाएगा, तो वही लिखा हुआ है, ठीक है ना, फॉर्मूला में। और एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट इस केस में हमेशा क्या होगा, देखो यहाँ पे यही तो एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट है, ये अल्फा है, ये अल्फा है, तो 180 डिग्री ये हो गया +2 अल्फा हो गया। और यहाँ पे भी देखो एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट क्रॉस बेल्ट में क्या होता है, ये 180 डिग्री हो गया, ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है, मतलब 180 डिग्री + 2 अल्फा हो गया। और यहां पे लेंगे तो क्या हो रहा है, देखो क्लियरली, ये 180 डिग्री हो गया, ये अल्फा हो गया, ये अल्फा हो गया, ये बड़ा पुल्ली के लिए 180 डिग्री + 2 अल्फा। और छोटा के लिए क्या हो जाएगा, 180 डिग्री का लाइन ये गया हुआ है, बड़ा वाला लाइन 180 डिग्री गया हुआ है, ये 180 डिग्री पूरा है यहाँ से, तो इसमें से एक ए अल्फा माइनस हो गया, एक ए अल्फा माइनस हो गया, तो छोटा वाले में 180 डिग्री - 2 अल्फा, ठीक है। अब इसी में हम लोग एक दो ज्यादा नहीं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एक जो गेट का आया हुआ क्वेश्चन है, देखो इस क्वेश्चन को क्या बोला हुआ है, कि एक ओपन बेल्ट ड्राइव है जो कनेक्ट कर रहा है टू पुली को ऑन पैरेलल शाफ्ट जो 3.6 मीटर अपार्ट है, मतलब एक्स बराबर 3.6 दिया हुआ है। द डायमीटर ऑफ द पुली आर 2.4 एंड 1.6, मतलब बड़ा पुल्ली का डायमीटर दिया हुआ है 2.4 और छोटा पुल्ली का डायमीटर दिया हुआ है 1.6 मीटर में। तो क्या बोला है, एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट ऑन द स्मॉलर पुल्ली, तो स्मॉलर पुल्ली का एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट क्या होगा, हम सीधा बताएं, सीधा फॉर्मूला से बना सकते हो, 180 डिग्री - 2 अल्फा, ठीक है ना। और अल्फा कैसे निकलेगा, तो अल्फा कैसे निकलेगा, साइन अल्फा से निकलेगा, वो क्या होता है, जब ओपन वाला रहेगा तो R1 - R2 / x होता है, R1 कितना हो जाएगा 1.2, R2 कितना हो जाएगा 0.8 हो जाएगा, x कितना है 3.6 है, तो ये कितना हो जाएगा 0.4, 3.6 मतलब 1/9, मतलब साइन अल्फा कितना आ गया 1/9, तो अल्फा क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/9, तो अल्फा वैल्यू आ गया। तो हम लोग करना ही क्या है इसमें, थीटा बराबर 180 - 2 अल्फा करना है, अल्फा का जो भी वैल्यू आएगा यहाँ पुट कर दो, तो ये मेरा एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट निकल जाएगा। तो कोई यहाँ स्मॉलर पुल्ली का पूछा हुआ, अगर बड़ा पुल्ली का पूछता तो हम लोग 180 डिग्री + 2 अल्फा लेते हैं। देखो इसका आंसर कितना आ रहा है, इसका आंसर कितना आ रहा है चेक करो सब लोग, 1.2 - 0.8 ठीक है ना, 0.4, 3.6 ठीक है, 1/9 ठीक है, अल्फा साइन इनवर्स 1/9 आ गया। तो अल्फा का वैल्यू निकाल लो कैलकुलेटर से, साइन इनवर्स 1/9 सिक्स पॉइंट समथिंग आएगा,
एक मिनट। ठीक है, अब आएगा। वायर शायद हिल गया था इसलिए ऐसा हुआ था। कितना आ रहा है देखो तो, साइन इनवर्स 1/9 का वैल्यू कितना आ रहा है। कुछ नहीं किए हम इसमें, क्या एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट बोला था एक, हम जान रहे फॉर्मूला ये होता है 180 - 2α। अभी कि अल्फा कैसे निकलेगा, तो अल्फा निकालने का हम सीधा जानते हैं कि साइन अल्फा जो होता है R1 - R2 / x होता है। ये कहाँ से आया, अभी हम इसी के लिए हम वो समझाए थे। हाँ, अल्फा कितना आ गया, 6.379 आ गया, ठीक है ना। तो थीटा क्या हो जाएगा, 180° - 2 × 6.739। ये जो भी आएगा तुम्हारा यहाँ से ठीक निकल जाएगा। अगर एग्जाम में देखो डिग्री में पूछा हुआ है तो डिग्री में आंसर निकल जाएगा, अगर रेडियन में पूछा रहता तो फिर π/180 करते हैं, ठीक है। 167.3939 आ रहा है, ठीक है ठीक है, 167 वाला आंसर सही है। अब देखो ये क्वेश्चन देखो, यहाँ पे जो हम बता रहे थे ना कि टीसी जो होता है मैक्सिमम टेंशन का 1/3 होता है, वो सीधा लिख दिया। यहाँ पे देखो क्या है कि एक बेल्ट ड्राइव है जो यूज किया जा रहा है पावर ट्रांसमिशन के लिए बिटवीन टू पैरेलल शाफ्ट, हैज ए बेल्ट ऑफ मास 1.2 kg/m। मतलब क्या दिया हुआ है, मास पर यूनिट लेंथ दिया हुआ है, मास पर यूनिट लेंथ दिया हुआ है, ठीक है ना। वो कितना दिया हुआ है, 1.2 kg/m। मतलब मास क्या दिया हुआ है, मास नहीं, मास पर यूनिट लेंथ दिया हुआ है। मैक्सिमम अलाउेबल टेंशन क्या दिया हुआ है, 2250 न्यूटन दिया हुआ है। और बोला है कि सेंट्रीफ्यूगल जो टेंशन होगा वो 1/3 होगा मैक्सिमम अलाउेबल टेंशन का। मतलब सेंट्रीफ्यूगल टेंशन 750 न्यूटन निकल गया। तो बोलता है क्या कि द स्पीड एट विच मैक्सिमम पावर इज ट्रांसमिटेड, किस स्पीड में मैक्सिमम पावर ट्रांसमिटेड होगा। तो हम लोग ये जानते हैं कि भी बोला है निकालने के लिए, तो टीसी बराबर क्या बताए थे फॉर्मूला, MV² बताए थे। एम क्या था, मास पर यूनिट लेंथ। तो टीसी क्या हो गया, 750 न्यूटन निकाल लिए हैं। एम हम लोग का दिया हुआ है कितना, दिया हुआ है 1.2 kg/m दिया हुआ है, और यहाँ से भी निकाल लो तो V² क्या हो जाएगा, 750 / 1.2, 12 से कटेगा, 12 × 6 = 72, 3 × 12 = 24, 12 × 6 = 12×25 = 60। मतलब V² = 625 आ गया, तो V क्या हो जाएगा, 25 m/s। तो ये तुम्हारा आंसर हो गया सी। देखो क्वेश्चन कैसा आया है, 2020 में जो आया हुआ, दो गेट का क्वेश्चन आया हुआ था, एक क्वेश्चन कल किए थे, एक क्वेश्चन आज कर रहे हैं, ठीक है। तो सिंपल है फॉर्मूला बेस्ड आ जा रहा है क्वेश्चन, कुछ ज्यादा सोचना नहीं है। सारे फॉर्मूले को बेल्ट वाला है ना, सब फॉर्मूले को एकदम एक पेज में अच्छे से लिख लेना तुम लोग। अब बाकी ये हम जो भी PPT अपलोड कर ही देंगे, और कुछ क्वेश्चन देखो यही आया था ना, भी आंसर 167.38 आ रहा था ना, यही क्वेश्चन था, 2013 क्वेश्चन था ये, ठीक है ना। एक क्वेश्चन तुम लोग नोट कर लो, ठीक है ना, ये क्वेश्चन तुम लोग बनाकर हमको दिखाना आज, क्योंकि क्लास आज इतना ही रहने देते हैं, आज धनतेरस है तो कुछ मार्केट वगैरह भी जाना है जरा, इसलिए इसलिए आज क्लास का टाइमिंग थोड़ा जल्दी कर देना पड़ा, ठीक है। ये क्वेश्चन को तुम लोग नोट कर लो, क्या है कि एक ओपन बेल्ट है
जो रनिंग ओवर टू पुली हो रहा है, ठीक है ना, डायमीटर दिया हुआ है 240 mm और 600 mm डायमीटर दिया हुआ है, छोटा पुली का 240, बड़ा पुली का 600 mm। कनेक्ट टू पैरेलल शाफ्ट 3 मीटर अपार्ट, मतलब दोनों के बीच का सेंटर का डिस्टेंस क्या दे दिया हुआ है, ये एक छोटा पुली मान लो, एक इधर बड़ा पुली मान लो, ठीक है, दोनों के बीच का सेंटर का डिस्टेंस मतलब एक्स क्या दे दिया हुआ है, 3 मीटर दे दिया है। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, द पावर टू बी ट्रांसमिटेड इज 4 kW फ्रॉम द स्मॉलर पुली। मतलब क्या हो रहा है, जो पावर ट्रांसमिट हो रहा है ना, पावर टू बी ट्रांसमिटेड इज 4 kW फ्रॉम द स्मॉलर पुली, मतलब क्या कि जो स्मॉलर पुली है ना यहाँ पे, वो एज ए ड्राइविंग पुली का काम कर रहा है। जो स्मॉलर पुली है, जो छोटा पुली है, वो यहाँ पे ड्राइविंग पुली का काम कर रहा है, ये छोटा पुली बड़ा वाला पुली को घुमा रहा है, ठीक है। तो इसका दे दिया है n दे दिया है 300 RPM, कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू दे दिया है 0.3। अब देखो यहाँ पे क्या कहाँ दिक्कत होगा हम बता दे रहे, पावर बराबर क्या होता है, T1 - T2 × V होता है, ठीक है ना, P दिया हुआ है 4000 वाट हो जाएगा, V के लिए π dN/60 यूज कर लेंगे, V के लिए π dN/60 यूज कर लेंगे, तो T1 - T2 में एक इक्वेशन यहां से आ जाएगा, और दूसरा इक्वेशन के लिए हमको म्यू दिया हुआ है, T1 / T2 बराबर e का पावर μθ, थीटा नहीं दिया हुआ है, सिर्फ म्यू दिया हुआ है, थीटा कैसे निकलेगा, तो थीटा कैसे निकलेगा, क्योंकि ये स्मॉलर पुल्ली की बात कर रहा है, तो थीटा हम लोग स्मॉलर पुल्ली से निकाल सकते हैं कि थीटा क्या हो जाएगा, 180° - 2α। अब अल्फा कैसे निकलेगा, अभी जो सेम किए थे प्रोसेस, sin α R1 - R2/x, यहां से क्या होगा, अल्फा निकल जाएगा, अल्फा यहाँ से डिग्री में जो भी अल्फा निकलेगा ये डिग्री में आएगा, और ये डिग्री को हम लोग रेडियन में कन्वर्ट करके यहाँ पे पुट कर देंगे, तो इस तरीके से मेरा ये निकलेगा। देखो यहाँ क्वेश्चन में क्या है, थीटा नहीं दिया हुआ है, तो थीटा कहाँ से निकाले हम लोग, क्योंकि यह स्मॉलर पुल्ली ड्राइविंग पुल्ली है, तो स्मॉलर पुल्ली का एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट तो निकाल सकते हैं थीटा, इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है, और ये फॉर्मूला को यूज करने के लिए हम लोग को डायमीटर दिया हुआ है, 240 और 600 दिया हुआ है। तो ध्यान रखना R1 R2 क्या है, फॉर्मूला है, लेकिन R1 क्या होता है, बड़ा का है ना, ठीक है ना, बड़ा का रेडियस है, बड़ा वाले का, तो बड़े वाले को लिखना है, 600 के जगह पे 300 हो जाएगा, और ये 240 की जगह 120 हो जाएगा, तो यहाँ से अल्फा निकाल के इसमें पुट कर देना, अल्फा निकल जाएगा मतलब थीटा निकल जाएगा, इसको रेडियन में कन्वर्ट करके यहाँ पुट कर देना, तो क्या होगा, T1 और T2 के बीच में रिलेशनशिप आ जाएगा। तो इसमें देख लेना, आंसर चेक तुम लोग कर लेना, अगर जिसका आंसर इतना आएगा तो सोच लेना सही है, अगर नहीं आ रहा तो गलत है, जो T1 आएगा, ठीक है ना, आंसर नोट कर लो, T1 जो आएगा वो 1779 आएगा, T2 जो आएगा वो 718 आएगा। अब देखो यहाँ पे क्या बोला, इनिशियल बेल्ट टेंशन मतलब T0 पूछा हुआ है, तो T1 + T2/2 कर देना, मिनिमम विड्थ ऑफ बेल्ट पूछा हुआ है, तो क्या बोला, जिस तरीके से कल नहीं निकाल रहे थे क्वेश्चन में कि कहाँ दिया हुआ मिनिमम बेल्ट ऑफ विड्थ के लिए, यहाँ दिया हुआ कि सेफ वर्किंग टेंशन जो है कि 1 mm विड्थ जो है 10 न्यूटन ले पा रहा है, तो 1 न्यूटन के लिए 1/10 mm, इसलिए T1 के लिए, क्योंकि मैक्सिमम टेंशन T1 है, तो T1 के लिए यहाँ से निकल जाएगा वो मिनिमम बेल्ट विथ, और ये निकल जाएगा मिनिमम बेल्ट विथ 178 mm निकल जाएगा, 178 mm, और साथ में जो एक लेंथ पूछ रहा है वो लेंथ निकल जाएगा 7.33 मीटर। तो ये एक ये हो गया लेंथ, एक इनिशियल टेंशन यहां से आ जाएगा, T1 T2 से निकल जाएगा इनिशियल टेंशन, बेल्ट का विड्थ